नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू किए गए आंदोलन का उत्तर प्रदेश के किसान भी समर्थन कर रहे हैं। किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए हैं। भीषण ठंड में भी किसानों के हौसले कम नहीं हुआ और पूरी रात किसान आग जलाकर डटे रहे। इस दौरान किसानों के खाने पीने का इंतजाम भी मौके पर ही किया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार कोई निर्णय करे, नहीं तो हम यहीं जमे रहेंगे। तो दिल्ली सरकार आएगी, भारत सरकार। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं, गृह मंत्री ने साफ कह दिया है, कृषि मंत्री ने कह दिया कि आगामी 3 दिसंबर को आमंत्रित हैं किसान बैठकर वार्ता कर सकते हैं। हाँ, 3 बजे हो जाएगा। 3 बजे तो आज की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हम तो बैठे ही, हमारी क्या रणनीति, किसान ही क्या रणनीति। भाई किसान या तो खेत में होता या भाई यहाँ को हमें काम बताया तो हम वो करेंगे 3 तारीख तक। मेन विरोध किन किन बातों को लेकर? MSP से कम पर खरीद हो रही है, MSP मिलना चाहिए किसान को, और पूरे किसान को लुटा जा रहा है जी। वो लुटा हमारा वो विरोध है जी। और उससे महंगाई बहुत बढ़ेगी, जो व्यापारी है वो होल्डिंग करेगा फिर वो महंगे रेट में बेचेगा। ये बड़े सवाल हमारे हैं। बिजली के इशू है, गन्ने के इशू है, इशू तो बहुत है। अगर कोई सुनने वाला हो तो इशू है, नहीं सुनने वाला तो भाई लट्ठी मारो, अपना जेल में डाल दो। बगल कल रात से यहाँ डटे हुए हैं, आज की क्या रणनीति है? हम तो यही रहेंगे या रुकेंगे? हम तो यही रहेंगे भाई। ये दिल्ली है, ये इधर यूपी है, तो दिल्ली में है। वहीं दूसरा, पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली चलो आंदोलन के तहत राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में ये किसान केंद्र सरकार द्वारा इसी साल जून में पारित कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश से पहले पुलिस प्रशासन के रोकने के तमाम प्रयासों के बावजूद किसानों का जत्था दिल्ली पहुँचने में कामयाब रहा। पंजाब के केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।